हे फूडीज, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा पराठा जिसे सुनकर मुंह में पानी आ जाए। जी हाँ, हम बनाने वाले हैं पनीर पराठा। सबसे अच्छी बात ये है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। इसमें अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे नाश्ते में अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और लगभग 2 टेबल स्पून घी या तेल डालेंगे और अच्छे से आटे में सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब डो के ऊपर 1/2 टेबल स्पून घी या तेल डालेंगे और अच्छे से डो में इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट के रेस्ट पे रखेंगे। अब बारी स्टफिंग की, एक बर्तन में ग्रेट किया हुआ पनीर लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें हरा धनिया पत्ता और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब आटे की हम लोई बनाएंगे। अब उसमें से एक लोई को हम लेंगे, हाथों की मदद से इसकी हम कटोरी बना लेंगे। कटोरी शेप में आटे की लोई बनाने के बाद इसमें हम लगभग 2 टेबल स्पून स्टफिंग को फिल करेंगे और घुमा घुमा कर इसे चारों तरफ से सील कर लेंगे। हाथों की मदद से इसे हम प्रेस करेंगे और हल्के हाथों से इसका हम पराठा तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने पराठा तैयार कर लिया है। अब गर्म तवे पर पराठे को डाल देंगे। पहले एक तरफ से सेकेंगे, फिर पलट कर दूसरी तरफ से सेकेंगे। दोनों तरफ से घी या तेल लगाकर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा गर्मा गर्म पनीर पराठा। इसे परोसिए दही अचार या चटनी के साथ और अपने परिवार के साथ इस मजेदार डिश का आनंद लीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।